हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गाइडली। मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप SBI PO की तैयारी कर रहे हो या RRB PO की। तो चलिए हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो नाउ गाइस, टाइम ओवर और अब आते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। सो अब समझ में आया कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था? मजा आया? मतलब देखो, यही तरीका होगा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के आने का, ठीक है। आपको लगेगा कि बहुत हलवा है, आराम से हो जाएगा, लेकिन हलवा भी कई बार जो है ना, उसमें या तो कुछ ज्यादा मीठा हो जाता है या फिर गलती से शुगर की जगह नमक पड़ जाता है ना। कुछ बच्चों ने किया है, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों ने किया है और कुछ बच्चों ने नहीं भी किया है। लेट्स सी, अब इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर को क्या है वो समझते हैं, है ना। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे कहा है नो लोग है। हमेशा याद रखना, अगर आपके पास नो लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, 9% का क्वेश्चन आ रहा है या फिर 9 मंथ का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, या फिर 12 मंथ का क्वेश्चन आ रहा है या फिर 10 मंथ का क्वेश्चन आ रहा है, यानी मंथ की संख्या अगर बढ़ रही है तो क्वेश्चन आपके लिए बिट डिफिकल्ट होगा उस वक्त उसको क्रैक करना, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बन सकती है। क्या बन सकती है? उसकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा बन सकती है। अब ये बात अलग है कि किसी का तुक्का सही जगह बैठ जाए, ठीक है। अदरवाइज ना, अगर बहुत सही प्रोसेस पे जाओगे ना, तो आपको लगेगा यार इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही है, यहां भी आएगा, वहां भी आएगा। इस क्वेश्चन को सीखना है, देखो कैसे करते हैं, बताता हूं। सबसे पहली चीज, आपके पास अगर क्वेश्चन आता है ऐसा, कोई भी क्वेश्चन आता है, जस्ट ए मिनट, ओके ये तो पॉइंटर हो गया है, ओके हाँ। देखो, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि मंथ पर बेस्ड है, आप सबसे पहले तो लिख लो उसमें नंबर ऑफ डेज कितने हैं, ये आप लिख लिया करो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये फैक्ट है कि अगर मंथ का क्वेश्चन आ रहा है तो आपके पास यहाँ पे उसका कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। जैसे यहाँ पे दे दिया 30 डेज वाला, दे दिया, तो जैसे ही देखा आपने इसको सीधे सीधे आपने उसको प्लेस कर दिया प्लेस, और आपको समझ में आ गया कि हाँ ये यहाँ पर होने वाला है। आप सबसे पहले लिख दो मार्च में 31 दिन, 30 में अप्रैल है, मई में 31 है, जून में 30 है, जुलाई में 31 है, अगस्त और सितंबर में 31 और 30 है, अक्टूबर में 31 है, नवंबर में 30 है, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मुट्ठी बंद करके अपन करते हैं वैसे भी कर सकते हो। अब सुनो, सो 9% ABCDEFGHI वर बॉर्न ऑन डिफरेंट मंथ्स, और यहां पे है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, ये जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। आगे बोला है 3% वर बॉर्न बिटवीन ए एंड बी, अभी क्या कह रहा है, ए के और बी के बीच में 3 बंदे बॉर्न हुए हैं, ठीक है। 3% वर बॉर्न बिटवीन ए एंड बी, हु वाज बॉर्न ऑन द मंथ विच हैज या हैज 31 डेज, इसका मतलब बी जो है 31 डेज वाले किसी महीने में बॉर्न हुआ है, बट बिफोर जून। अब देखो, जून से पहले 31 के दो है मेरे पास, अब एक कंडीशन है कि बी को यहां लिख दो, एक कंडीशन है बी को यहां लिख दो, तो 1, 2, 3 ए को यहां लिख दूंगा और 1, 2, 3 ए को यहां लिख दूंगा। ये मेरी पहली कंडीशन होगी जो मैं प्लेस कर दूंगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इसे सीधे प्लेस कर दो आप। सेकेंडली क्या कहता है, देखो, डी वॉज बॉर्न बिफोर जी एंड आफ्टर एच, बिफोर जी एंड आफ्टर एच, ये है कंडीशन, पर ये बोला है बिफोर एंड आफ्टर, नॉट जस्ट, है ना। सो यहां पर बोला है आफ्टर और ना बोला है बिफोर, ठीक है, तो ये डी को लेकर के बोला है, एच के बाद आएगा, जी से पहले आएगा, हमने इसको प्लेस कर दिया। आगे देखो, आगे बोला गया है कि 4% वर बॉर्न बिटवीन ई डी, ई और डी के बीच में 4 लोग बॉर्न हुए हैं, ई और डी के बीच में 4 लोग बॉर्न हुए हैं, एंड देर आर एज मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ए आई, ए आई के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग सी और ए के बीच में होंगे। इसका मतलब है कि अब मैं कहूं सी I, A, C और I equal and equal number of person should be there. अब क्या कह रहा है? I was born after G. I was born after G यानी G के बाद में I आएगा। ये यहाँ पे पॉइंट बात समझ में आ गई? अब देखो, मैंने यहाँ पे इसको तो लिख दिया, लेकिन एक बार बताओ, A, B वाली इस लाइन को प्लेस करने के बाद क्या आपके पास कोई भी ऐसा हिंट आया कि भाई मैं उसको रिलेट कर दूँ? केवल एक हिंट है, इसको प्लेस कर दो A, C, I को। लेकिन ए के लिए सी और आई या तो इमीडिएट रखो या फिर अलग रखो। अगर आपने ए के बाद आई यहां पे रखा और सी यहां पे रखा, तो जी के बाद आई आना चाहिए था, तो जी के बाद आई तो कहीं पे भी हो सकता है,
या फिर आई यहाँ पे रखो और सी यहाँ रखो, एक कंडीशन की एक बंदा बीच में, मतलब कोई बंदा ही नहीं हो सी और बी के बीच में, बिल्कुल नहीं हो। दूसरी कंडीशन क्या है वो देखो, दूसरी कंडीशन ये कि अगर आपने इस तरह से डील किया तो फिर आप किसी और पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, एक भी बंदा नहीं है, एक और बंदा है, दो और बंदे हो गए, ये दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करो, फिर आप हमेशा अपनी ये इंफॉर्मेशन उठाओ, हमेशा क्या करना है बॉक्स में, मंथ में, डेज में, जिसमें भी ज्यादा का गैप हो ना, कि यहां पर इतने इसके बीच में बैठे हुए हैं, जहां भी ज्यादा का गैप मिले बस उसको प्लेस कर दो, आपका काम हो जाएगा। अब ई और डी के बीच में कितने लोग हैं, चार लोग। सो ई और डी, 1 2 3 4 ई और डी ये रखा हमने, इसको रखने के बाद हमें मैक्सिमम गैप कवर किया हमने। अब हमारा क्या है, एच के बाद डी, इसका मतलब है यहां पे तो डी नहीं आएगा क्योंकि एच के बाद में डी आना, तो डी टॉप पे नहीं आएगा और यहां पे ये आ जाएगा। अब डी के बाद जी यहां पे कहीं पे आना है और जी आना है तो जी के बाद आई भी आना है, इसका मतलब है जी को लिख दो और आई को लिखिए, जी के बाद आई आना है। एक कंडीशन तो ये कहती है कि भाई जी को यहाँ पे लिख दूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये भी कहती है कि जी कहीं ऊपर आ सकता है, लेकिन पॉइंट ये भी है एच के बाद डी और जी से पहले डी, तो जी से पहले वाली डी कंडीशन ये होगी तो फिर मेरा कंफर्म है कि जी यहीं आएगा, है ना। इसके बाद ये क्लियर हो गया, अब मेरे को एच देखना है कि एच यहाँ पे कहाँ पे आएगा। सो देखो अब ए आई और सी वाली इस कंडीशन को उठाओ, जैसे ए आई है तो ए सी है, यहाँ पे सी लिख दिया, सी लिखते ही मेरी ये कंडीशन भी डन है, ये कंडीशन अब उठाना है, ये कंडीशन मेरे डन है, है ना। अब क्या है, अब मुझे देखना पड़ेगा एच कहां पे लिखूं, क्योंकि एच के बाद में डी आना है। अब मेरे पास दो चीजें हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई और एफ कौन बच रहा है, अच्छा ई हो गया, एक तो एफ बच रहा है और एक एच बच रहा है। अब F और H को लेकर की क्या इंफॉर्मेशन है, मेरे को ये देखना है कि F और H को लेके, देखो E was born immediate before F, ये एक लाइन छूट गई थी मेरे से, है ना। तो E was born immediate before F, F से तुरंत पहले, ओके तो ये मेरा क्वेश्चन और क्लियर हो गया। ये लो ये लाइन छूट गई थी जो कि मैंने यहां पे रखा है, which has 31 days, कौन F, ये लो ये क्लियर हो गया, तो ये तो वैसे ही हो गया। अब इसमें आ जाओ, अगर मैंने यहां पे B रखा, यहां पे A रखा, तो अब मुझे E और D रखना है, E 1 2 3 4 then D यहां लिखूंगा, F को यहां लिखूंगा, लिख दिया। अब जैसे ही यहां पे लिखा तो फिर मेरे पास क्या कंडीशन आई, A C I वाली, अगर A है, अब मैं यहां पे ऑब्वियसली बात है I या C को तो प्लेस करूंगा और C या I को प्लेस करूंगा, तो D के ऊपर जो H आना था वो मेरे पास बचेगा ही नहीं, यानी मेरा केस गलत, और केस गलत होते ही मेरा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी योर आंसर, यानी कि वन गो में ये क्वेश्चन हो सकता है, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी यू नीड टू मेक, कोई अदर पॉसिबिलिटी बनानी नहीं थी। अब चेक कर लो सबका यही आ रहा है क्या, हाँ हाँ ई एफ के ऊपर है, वो मेरे से छूट गई थी लाइन, जब मैंने लाइनिंग की है वो अब मैंने प्लेस कर दिया है, रिलैक्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो गया है वो, चेक करो सबका यही आ रहा है ना, चेक इट फास्ट, देखो सबका यही आ रहा है, सीधी सी बात है, ई एफ बी एच सी डी ए जी आई एंड दिस इज द क्वेश्चन जो कि विदाउट एनी पॉसिबिलिटी बन रहा है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आओ, तो सबसे पहले आंसर लिख लेता हूं, ई एफ बी एच, ई एफ बी एच, इसके बाद है सी डी ए जी आई, सी डी ए जी आई, सब लोग चेक कर लो कि क्या आपकी यहां पे कोई कंडीशन ऐसी है जो बच रही है, E F B S C D A G I यही बन रहा है सबके। सो देखो, who among the following person was born on June? तो देखो, अब जून की बात करता हूं, तो जून मेरा कौन सा महीना है, चौथे नंबर पे आ रहा था, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि H, none of these, क्योंकि मेरे पास जो मंथ है वो है मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई जून, जून के बाद था जुलाई अगस्त सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर, जुलाई अगस्त सेप्टेंबर अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। सेकंड, हाउ मेनी पर्सन बॉर्न बिफोर सी, सी से पहले कितने हुए हैं, 1 2 3 4 एंड आंसर इज 4, आंसर इज 4। विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ ए वाज बॉर्न, ए किसने बॉर्न हुआ, सेप्टेंबर में, आंसर इज डी। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज बॉर्न ऑन नवंबर, दैट इज आई, आई बॉर्न ऑन नवंबर। अब ये देखो, यहां पे आ गया ऑड वन आउट का क्वेश्चन, ए यहां पे बॉर्न हुआ सितंबर इन 30 डेज,
एफ अप्रैल में वन हुआ 30 डेज, जी अक्टूबर में हुआ 31, एच जून में हुआ 30 डेज, आई एंड आई इज इन नवंबर दैट इज 30, आई नवंबर 30 है। तो देख लो अब आपके सामने आंसर क्या आएगा, ये अकेला ऐसा है जो 31 डेज वाले महीने में हुआ है बॉल, एंड आंसर दिस इज सी। क्लियर है?